हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूधी या लौकी का मुठिया। ये गुजरात की मशहूर रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूधी या लौकी का मुठिया बनाने की सामग्री है: एक लौकी, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है, एक कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, तेल, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एक चम्मच, कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट एक चम्मच, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच चीनी और आधा छोटी चम्मच हींग। तड़का लगाने के लिए एक चम्मच तिल, एक चम्मच राई, एक सूखा लाल मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ता। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम गेहूं का आटा डालेंगे, बेसन डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, हींग डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, चीनी डालेंगे और धनिया पत्ता कटा हुआ। अब इसमें हम लौकी डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ। लौकी डालने के बाद हम 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिना पानी के मिक्स करना है। लौकी में पानी पहले से ही होते हैं, इसलिए हम बिना पानी के मिक्स करेंगे। एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार आप नमक डालें। सारे मिक्सर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ऐसी एक चलनी लेंगे। चलनी के अंदर थोड़ा हमने तेल लगा लिया है और अब हम ऐसे मिक्सर को लेंगे और ऐसी बड़ी बड़ी एक लोई की तरह बना लेंगे। इसे बड़ा बड़ा बनाना है आपको। इसी तरह बना के हम इसमें से रख देंगे। तो हम इसी तरह दूसरा भी बना लेते हैं। इसी तरह से हम मुठिया को बना लेंगे। उसके बाद हम इसे स्टीम कर लेंगे। हमने पहले से ही पानी को गर्म कर लिया है। पैन के अंदर हमने 3 कप पानी डाल दिया है। अब हम ऐसे चलनी को इसके ऊपर से रख देंगे। रखने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे हम 20 मिनट के लिए पका लेंगे। मुठिया को हमने तेज आंच पे 20 मिनट तक स्टीम कर लिया है। अब हम मुठिया को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुका है, मुठिया हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद मुठिया को प्लेट में निकाल लेंगे। मुठिया ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीसेस में काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे पीसेस काट लेंगे। हमने सारे मुठिया को पीसेस में काट लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें राई डाल देंगे। राई चटकने लगी है, हम इसमें तिल डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे, सूखी मिर्च डाल देंगे।
पैन के अंदर हम कटा हुआ मुठिया डाल देंगे। मुठिया डालने के बाद हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। एक बार और इसे इस तरह से मुठिया हमारा फ्राई हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल देंगे। दूधी या लौकी का मुठिया बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।